इस स्कूल के पास में एक आंगनबाड़ी केंद्र लगभग बनाया जा रहा है, जो कि बनने के क्रम में और उसके बाद बनने के पश्चात कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो दर्शन करके आगे बढ़ता हूँ, तो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो आज चर्चा होगी लगभग सीटेट जुलाई 23 के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन सुबह 22 अगस्त को लगभग। तो इसका पैटर्न जो रहेगा सो ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन रहेगा, तथा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आप ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर पहले गाड़ी पास कर लेता हूँ, और यहाँ पर काफ़ी सारे धूप है, जिसकी वजह से बिना इम्पोर्टेंट वर्क के कोई भी नहीं निकलता है। जाने के लिए घर पर से सीधे रास्ता सही था, लेकिन पहले फ्यूल पम्प फ्यूल डलवा लेना है। तो पहले पेट्रोल पम्प जाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, और थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर के बारे में जाना। तो हम जिस जिला के निवासी हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो कि कोई भी क्वेश्चन हो, UPSC हो या फिर बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो यह वीडियो, इस वीडियो के बाद वाले नेक्स्ट वीडियोज में पूरा फुल डिटेल्स समस्तीपुर की स्थापना, जैसे 14 नवंबर 1972 ईस्वी को किया गया था, गठन किया गया था, और यहाँ पर प्रखंड कितने विधानसभा क्षेत्र, जैसे 20 हो गया, उसके बाद लोकसभा क्षेत्र 2 है, जनसंख्या लगभग 40 लाख प्लस है, 42 लाख के आसपास करीब। तो और इसका जनसंख्या घनत्व तो कितना है, लिंग अनुपात कितना है, 916 के आसपास है। तो यही सब बेसिक जानकारी जो भी है, और यह कृष्ण नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यालय हैं, जिसमें पढ़ाई करके आगे क्षेत्र में कई लोग आगे बढ़े हैं, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो अब स्ट्रीट व्यू विलेज का देखिए।